हाय गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। माय नेम इज़ जमीर अहमद। दोस्तों, आज हम डेल्फी DCM 3.7 ECM को रीड एंड राइट करने का तरीका आपको बताएंगे और केटेक की मदद से किस प्रकार से आपको रीड करना और राइट करना है। तो इस वीडियो के अंदर मैं राइट करने का कनेक्शन बताऊँगा, क्योंकि रीड करने का कनेक्शन अलग रहता है, और इसके बाद के वीडियो में रीड करने का कनेक्शन बताऊँगा। हो सके तो मेरे प्रीवियस वीडियो भी आप देख लेना, उसके अंदर रीड करने का कनेक्शन है और इस वीडियो के अंदर मैं राइट करने का कनेक्शन बताऊंगा। क्योंकि डेल्फी 3.7 के अंदर और डेल्फी 2.4 के अंदर और बहुत सारे ECM ऐसे हैं, रीड करने का तरीका अलग रहता है और राइट करने का तरीका अलग रहता है। तो इस वीडियो के अंदर हम अब जानेंगे राइट किस प्रकार से किया जाता है और किन के कौन सी केबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी और किस प्रोटोकॉल में जाके आपको राइट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं अभी आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और उसके अंदर आपको सारा कुछ बता देता हूँ। अभी मैं प्रोटोकॉल बताऊँगा किस जगह पे आपको जाके राइट करना है डेटा को। सबसे पहले तो केटेक का सॉफ्टवेयर ओपन कर लूँगा, प्रोटोकॉल में जाऊँगा और आप देख सकते हैं जेट टैग रेनेस बोल के रहेगा, और उसको राइट साइड आएंगे तो अपना डेल्फी DCM 3.7 SH72544 सैमसंग बोल के रहेगा। इसका फैमिली नंबर है 524, ये इसका फैमिली नंबर है। हम करेंगे ओके और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो चेक हियर कनेक्शन, ये रीड करने का कनेक्शन रहता है, ये रीड करने का कनेक्शन रहता है, ये रीड करने का कनेक्शन रहता है, रीड करने का कनेक्शन रहता है। अपने को करना है राइट, राइट का कनेक्शन अलग रहता है, देख सकते हैं ये राइट करने का कनेक्शन है। इस प्रकार से आपको राइट करना है, ये कनेक्शन लगा है कि आपको राइट करना है। अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डेल्फी का जो ECM है, रीड करने का कनेक्शन अलग है, राइट करने का कनेक्शन अलग है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं अभी पावर सप्लाई लगा लेता हूँ। दो पॉजिटिव अपने को चाहिए, पिन नंबर 5 पॉजिटिव और नेगेटिव पिन नंबर 2 और पिन नंबर 19 पे पॉजिटिव लगाना है। यानी मेरे तीन पॉजिटिव हो, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव हो चुका है। अभी मैं इसको थोड़ा नीचे रखता हूँ, इस पॉइंट पर मुझे कनेक्शन करनी है, इस पॉइंट पर मुझे कनेक्शन करना है। अभी मैं कनेक्शन करता हूँ और केबल मुझे लेनी है, ये वाली केबल मैं इस्तेमाल में लूँगा। ये वाली केबल से भी आप काम कर सकते हैं, जो आपका इधर जो आपकी क्लिप है, क्लिप से जो पहली जो ब्राउन कलर की जो पिन है वो उसको एक नंबर बोलते हैं और रेड को दो नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी इस साइड से आपको एक नंबर की रीडिंग शुरू होगी। देख सकते हैं ये क्लिप है, क्लिप का जो राइट साइड पहला पिन है उस पर आपको एक नंबर की पिन गिनी जाती है। ठीक है, अभी मुझे सिर्फ राइट करनी है तो 10 वायर की वायर मैं इस्तेमाल करूँगा, ये वाली केबल इस्तेमाल करूँगा। ये जो ब्राउन वायर है वो एक नंबर है, तो मुझे पहली पिन पे इधर जो पहली पिन है, ये जो मेरी पहली पिन है, ये जो पहली पिन है इस पे मुझे देनी है 6 नंबर की पिन। देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर की पिन मुझे इधर देनी है। ठीक है, इस पॉइंट पे मुझे 6 नंबर की पिन देनी है। सॉल्व कर लेता हूँ, छः नंबर की पिन जो है इस पॉइंट पर मुझे देनी है, 6 नंबर की पिन इस पॉइंट पे दे दिया, और 5 नंबर की पिन मुझे उसके बाजू की पिन पे देनी है, ये 5 नंबर की पिन है।
इधर दे दूंगा और उसके बाजू की पिन मुझे 10 नंबर देनी है, यानी ब्लैक। और मुझे इसके बाद देनी है 8 नंबर की पिन, यानी ब्राउन, ब्राउन नहीं ग्रे वायर। और मुझे लास्ट पिन पे देनी है पर्पल वायर, यानी 7 नंबर की पिन। मैं बिल्कुल सही तरीके से कनेक्शन दे दिया हूँ। 6, 5, 10, 8, 7 बिल्कुल सही तरीके से मैं इसको दे दिया हूँ। अभी मुझे करना है ओनली राइड, मुझे डेटा को राइड करना है। इसको हम कपड़ा रख लिए हैं। अभी मैं राइट करूँगा, इधर ओके करूँगा, राइट पे क्लिक करूँगा और वहाँ से ऑटो इलेक्ट्रिकल डेटा में जाऊँगा। मुझे बाईपास करनी है, देख सकते हैं ये रीडिंग होना शुरू हो जाएगा। ये पूरा आइडेंटिफिकेशन करेगा पहले ईसीयू को, क्या आपने कनेक्शन सही तरीके से लगाया है, क्या हार्डवेयर सही तरीके से मैच हो रहा है, और कोई भी एरर बनती है तो मालूम पड़ जाएगा। और 1% आपकी कोई एरर बन रही है, फाइल सही नहीं है, या आपने जो कनेक्शन किया वो सही नहीं है, तो बिल्कुल आप इसके अंदर देख सकते हैं कोई ना कोई एरर बन के आ जाएगी। एकदम सही है कनेक्शन, सारा कुछ आपने सही लगाया है तो राइटिंग होना शुरू हो जाएगी। इस कनेक्शन से जो अभी मैं कनेक्शन लगाया हूँ, इस कनेक्शन से आप रीड नहीं कर सकते, ओनली फॉर राइट कर सकते हैं। हमारी राइटिंग होना शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं जो ग्रीन के ऊपर राइट साइड में आप देखेंगे तो रेड बोल के निकल के आ रहा है, यानी ये फाइल जो हमारी है वो राइटिंग होना शुरू हो रही है। ठीक है दोस्तों, सेक्टर्स बता रहा है। तो इस प्रकार से हम ईसीयू को राइट कर सकते हैं डेल्फी 3.7 से। हाँ, ये बिना ईसीएम खोले भी आप माइक्रो का डेटा रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, मगर मुझे केटेक से ही करना था। केटेक से बहुत अच्छे तरीके से कोई भी फाइल बिना करप्ट के सही तरीके से सही सेक्टर्स डालेगा, तो इसकी वजह से मैं ईसीएम खोल के ही केटेक से ही डेटा डालता हूँ। ये ईसीएम आप केस से भी काम कर सकते हो राइट डेटा, और आप केटीएम से भी कर सकते हो, मगर जो केटीएम से डालेंगे तो कभी कभार करप्ट होती है फाइल, तो मुझे सही लगता है केटेक से ही इसका प्रॉपर तरीके से फाइल डालना। और किसी भाई के पास केटीएम नहीं रहता है और किसी भाई के पास केस नहीं रहता है, उन भाइयों के लिए ये वीडियो हमारे पास हमने बनाया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।